यूँ तो ढाबे की दाल या रेस्टोरेंट की दाल आप लोगों को बहुत पसंद होगी, लेकिन चलिए आज उसी दाल को बनाते हैं अपने किचन में और बहुत ही सस्ते में। तो ये मैंने लिया है कुकर, इसमें डाला है लगभग 2 चम्मच देसी घी, आपको भी देसी घी डालना है। और अरहर की दाल मैंने ली है जिसको मैंने धुल के अच्छे से ऐसे ही रख दिया है, विदाउट पानी, पानी नहीं डालना है। और देसी घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 तेज़पत्ता, अदरक लहसुन और 4 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। ये खड़े गर्म मसाले ऑप्शनल नहीं है, आपको डालने ही डालने हैं, तभी वो फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिए कटी हुई हरी मिर्च, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो जिसको मैंने बारीक काट लिए हैं और वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटर बारीक कटा हुआ 1 टमाटर ऐड कर दिया है। और इसमें डाल दिया मैंने कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर, नमक और स्वाद अनुसार नमक मैंने एक ही बार डाल दिया है, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च हल्की सी डाली है मैंने क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, और यहाँ पे डाला है मैंने धनिया पाउडर और ये है मेरे पास रोस्टेड जीरा पाउडर। तो इन सबको मैंने डाल दिया और उसके बाद डाला है थोड़ा सा पानी और इसको टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से पका लिया है। तो ये देखिए हमारा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें धुली हुई जो हमारी दाल थी इसमें पानी डाल के आपको नहीं भिगोना है, नहीं तो ये पूरी तरीके से गल जाएगी। और जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, दाल तड़का ऑर्डर करते हैं, तो दाल हमारी उसमें खड़ी खड़ी दिखनी चाहिए। तो दाल डालने के बाद यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है और लगा दिया है प्रेशर स्लो आंच पे, एकदम 0 आंच पे हमें 2 सीटी देना है। मीडियम फ्लेम पे अगर आप बना रहे हैं तो 3 सीटी दे दें। उसके बाद ये है फाइनल प्रोसेस। मैंने लिया है एक कलछी, उसमें डाला 1 चम्मच फिर से देसी घी और यहाँ डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा हींग, और उसके बाद मैंने डाल दी है 2 सूखी लाल मिर्च और बाय गॉड मैं बता रही हूँ आपको कि एकदम रेस्टोरेंट का टेस्ट आया था मैंने बनाया था तो। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है लास्ट में मैंने और दाल में अपने दे दिया है तड़का। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी दाल, उसके बाद से ऊपर से डाल दिया हमने थोड़ा सा।